बहुत बवाल हो गया, मतलब आपको देखने के लिए लोग बेताब हो गए थे, क्या हुआ था एग्जैक्टली बता दो। मुझे भी याद नहीं है। हाँ झूठ बोल रहे, पंख उखाड़ते थे। शूट इतना पड़ जा रहा कि इनके वैनिटी वैन में लोग घुस गए थे। नहीं एक्चुअली शूट रोकनी पड़ी थी, वैनिटी वैन को वो मार रहे थे। हम लोग एक सॉन्ग सीक्वेंस शूट कर रहे थे और बहुत खूबसूरत सेटअप था पूरा, और बहुत मेहनत से हमारे कोरियोग्राफर और अनिल जी ने सब शॉट लगाए थे और इतनी मेहनत की थी, और नाइट शूटिंग थी। हालांकि ये भी नहीं था कि दिन में हम शूट कर रहे थे, लेकिन भीड़ इतनी आ गई थी और वो जाने को तैयार नहीं थी कि नहीं हम शूटिंग होने ही नहीं देंगे, जान पे आ गए थे। और हमारे मेकअप फैन पे इतने खट 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 कि अनिल जी ने कहा कि यू नो दे गोइंग टू थ्रो स्टोन्स इफ दे डोंट सी यू, सिर्फ आ जाइए बाहर, हाथ वेव कर दीजिए और निकल जाए अपने होटल। सो इट वाज लाइक दैट। और सिमिलर हादसा हुआ था अमृतसर में, उनको पता चला था कि सनी जी आ रहे हैं, तो वहाँ लाठी चार्जेस हुए थे, सब कुछ हुआ था। सनी जी को बस नेक्स्ट फ्लाइट वापस बॉम्बे जाना पड़ा था। सो गदर ने अंडर प्रोडक्शन भी बहुत गदर मचाई है। अनिल जी मैं देखा था इस पर्दे पर, तो मुझे महाभारत में कुछ चीजें इसमें कुछ ग्लिम्प्स नजर नहीं आ रहा ना, अर्जुन के अभिमन्यु के ऐसा कुछ नहीं है ना? अर्जुन अभिमन्यु जो भी है हम पर्दे पर देखी ना, 11 अगस्त आ रहा है ना। अच्छा अच्छा, आप पर्दे पर देखिएगा। कथा तो मैं रामायण महाभारत से ही लेता हूँ, पिछली कथा भी रामायण ही थी कि राम को सीता को लेके आना है लंका से, और यहाँ भी देखिए क्या होता है। क्या बात है, तो चलिए एक बार जोरदार ताली भी चाहिए गदर के लिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगेंगे और लगते रहे और हमेशा लगे हैं, और वो कटोरा वाला सीन और भीख वाला सीन तो मैं भूल नहीं सकता हूँ, मेरे जहन में बस गया है। चलिए एक ग्रुप फोटो लेते हैं उसके बाद। मैं एक बात